हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरी एमपी जीके की बेसिक्स की क्लासेस स्टार्ट है और उन बेसिक्स के साथ मैं आपको हर वीडियो में 10 फैक्ट्स बताती थी। आज से मैं अपनी इस वीडियो में आपको फैक्ट्स का वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, आपको इन बेसिक्स के साथ साथ आपको ये फैक्ट भी याद करते चलना है और नोट करते चलना है, ठीक है? तो हम बिल्कुल भी समय गंवाते नहीं है और हम स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स। आज किस लेसन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रथम। पिछले मैंने जो फैक्ट्स बताए थे उसमें हमने देखा था कि भारत में जो मध्य प्रदेश में प्रथम है उसके बारे में, और दो चार उसमें पॉइंट्स अभी रह गए हैं, ठीक है? तो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको वो पॉइंट्स बता दूंगी, तो आप नोट कर लेना। अभी हम देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम, ठीक है? नोट करते चलिए, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट डालेंगे राज्य का प्रथम खेल विद्यालय। याद करते चलेंगे खेल विद्यालय, और डैश करके लिखेंगे ये है सीहोर में। राज्य का प्रथम खेल विद्यालय है सीहोर में। आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे सीहोर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। सीहोर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगला पॉइंट डालेंगे राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहां है, ठीक है? और डैश करके लिख लेंगे अलीराजपुर। यहां समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहां पर लिख दे रही हूं अलीराजपुर। आदिवासी खेल विद्यालय है अलीराजपुर में, राज्य का प्रथम। अगला पॉइंट, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान लिखेंगे, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान। डैश करके लिखेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? मंडला। ये है मंडला जिले में, और ये राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1955 को। वर्ष भी याद रखना पड़ेगा, राष्ट्रीय उद्यान कब बना? वर्ष 1955 को। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और ये पहला ही नहीं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है, ठीक है? अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा था? पर्यटन नगर, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर, डैश करके लिखेंगे शिवपुरी। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर था शिवपुरी, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, राज्य का पहला नगर निगम, ठीक है? देखिए मध्य प्रदेश में टोटल नगर निगम है 16, ठीक है? 16 में से पहला नगर निगम कौन सा बना, हम यहां पर देखते हैं। राज्य का पहला नगर निगम था जबलपुर। और ये बना था 1864 में, ठीक है? अगला, राज्य की पहली नगर पालिका कौन सी थी? नगर पालिका, और डैश करके लिख लेंगे दतिया। और ये बनी थी वर्ष 1907 में। अगला, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? यूनिवर्सिटी। राज्य का पहला विश्वविद्यालय ये था हरि सिंह गौर
गौर विश्वविद्यालय सागर। राज्य का पहला विश्वविद्यालय था हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है सागर में, ब्रैकेट में लिख लेंगे सागर, ठीक है, याद रखेंगे। और ये बना कब था, इसकी डेट भी याद रखनी पड़ेगी आपको, डेट भी अब पूछता है एग्जाम में। ये बना था 1946 को, राज्य का पहला विश्वविद्यालय, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये स्थित है सागर में और ये बना था 1946 को। अगला, राज्य का पहला जैव रिजर्व मंडल, राज्य का पहला जैव रिजर्व मंडल। जैव रिजर्व क्या होते हैं, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे। और ये है पचमढ़ी, हिल स्टेशन है जो मध्य प्रदेश का पचमढ़ी, और ये है होशंगाबाद जिले में, याद रखिएगा। राज्य का पहला ही जैव रिजर्व है और ये है पचमढ़ी और ये स्थित है होशंगाबाद में। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र कहां लगाया गया था, ये लगाया गया था विकास निगम द्वारा। ये कहां लगाया गया था ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, अभी थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अगला, राज्य का प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग और ये था इंदौर से ग्वालियर हाईवे एक्सप्रेस मार्ग था पहला, इंदौर से भोपाल, ग्वालियर नहीं भोपाल, ठीक है, इंदौर से भोपाल हाईवे एक्सप्रेस मार्ग जो था वो पहला, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस मार्ग था। अगला, मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर, राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कहां लगाया गया था, ये लगाया गया था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 1955 में यह अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान बना। देखिए, 19 कान्हा किसली के बारे में मैं बता देती हूँ अभी थोड़ा बहुत। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वह 1933 में बना था अभ्यारण्य सबसे पहले, ठीक है, फिर 1955 में ये बना राष्ट्रीय उद्यान, और फिर आगे चल के 1974 में यहां पर लगाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा किसली में लगाया गया सबसे पहले और कब, 1974 को, मंडला में स्थित है ये। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, कोयला क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ये लगेगा कि ऊर्जा राजधानी तो सिंगरौली है, तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी सिंगरौली ही होगा, ऐसा नहीं है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। अगर सबसे बड़े क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र है
सोहागपुर, और सोहागपुर नामक स्थान है शहडोल जिले में। ठीक है, तो अगर आएगा कि कोयले की सबसे मोटी परत किस जगह पाई जाती है, तो वो होगा सिंगरौली। लेकिन अगर सबसे बड़े क्षेत्र की बात की जाए तो वो है सोहागपुर, और जो कि है शहडोल में। जिला भी पूछ लेता है कि सोहागपुर नामक स्थान जो है वो किस जिले में स्थित है। उमरिया और शहडोल में कंफ्यूजन होता है, तो आप शहडोल याद रखेंगे। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, इसका मतलब समझ रहे हैं? ताप विद्युत केंद्र का मतलब होता है जहां पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। जल विद्युत केंद्र, देखिए आपको दो नाम सुनने को मिलेंगे, एक जल विद्युत केंद्र, एक ताप विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र वह केंद्र जहां पर जल के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, और ताप विद्युत केंद्र जहां पर कोयले के माध्यम से कोयले को जलाकर हीट करके वहां पर बिजली उत्पन्न की जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है वो स्थित है बैठन में। बैठन, और बैठन कहां पर है? सिंगरौली। ठीक है, और यहां पर 2260 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। 2260 मेगावाट। ठीक है, ये हो गए आपके राज्य में प्रथम जो है। एक चीज और लिख लेंगे, राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह। राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह, और यह है भांडे। राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह, और यह कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है भांडेर में। भांडेर जो जगह है यह है दतिया में। ठीक है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर ग्वालियर भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर दतिया आता है तो आप दतिया लगाएंगे, अगर ग्वालियर आता है तो आप ग्वालियर लगाएंगे। ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा। ये हो गया आपका राज्य में प्रथम। अब जो भारत में प्रथम मध्य प्रदेश में जो चीजें थी उनमें से कुछ पॉइंट्स बच रहे थे, तो पिछले वाले नोट्स में जहां पर आपने पिछले फैक्ट नोट किए थे वहां पर इन चीजों को नोट करिए। मैंने आपको लास्ट बताया था कि मध्य प्रदेश का भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार, मैंने आपको बताया था भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार। ठीक है, उसके आगे से नोट करेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है, हर साल होता है। तो सबसे पहली बार कहां आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था भोपाल में। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो होता है हर साल प्रत्येक वर्ष, सबसे पहले भोपाल में आयोजित किया गया था, और कब? जनवरी 1995 को, 1995 को। अगला पॉइंट, भारत में सर्वाधिक फेल्सपार कहां होता है? फेल्सपार एक खनिज है, सर्वाधिक फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार एक खनिज होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा फेल्सपार कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, अगला लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, देश का प्रथम मध्य प्रदेश का प्रथम मत लिखिएगा, देश का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय,
देश का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय और इस महाविद्यालय का नाम है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय था, इसका नाम है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और ये स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, लास्ट लिखेंगे देश की एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी ये देश की एकमात्र है। ठीक है, तो देश की एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, ये हो गए आपके राज्य में प्रथम खत्म, अब भारत में प्रथम जो मध्य प्रदेश में थे वो खत्म। अब अगले वीडियो में आगे के फैक्ट बताए जाएंगे, आपके टेस्ट की डेट जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी, तैयारी करते रहिए। इन सब चीजों को अच्छे से याद रखिए कि क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आते, क्वेश्चन बुक में से ही आते हैं, बस हमारी नजरों का फेर होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो उन चीजों को हम छोड़ जाते हैं कि ये तो एग्जाम में आना ही नहीं, हम केवल इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं इसलिए हमसे एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए हमें कोई भी चीज छोड़कर नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, हाँ, अब ये मैं नहीं कह रही कि हर चीज आप जो ना पढ़ने योग्य है वो भी पढ़े, लेकिन ऐसी चीजें अब ज्यादा ट्रेंड में आ रही है जो हम छोड़ देते हैं पढ़ने के दौरान। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से टेस्ट में, आई होप टेस्ट में आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे, आप सबने अच्छी तैयारी कर ली होगी। ओके, तो पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।